प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का जो शुभ दिन है वह है 15 सितंबर। एक महत्वपूर्ण दिन और कार्य चालू होता हुआ और समय कालचक्र आगे बढ़ता हुआ देखते देखते सितंबर माह के भी ये 15 दिन बीत गए और आप नज़र कर रख रहे हैं अपने समय पे कि क्योंकि देखते देखते यह सितंबर भी जो है निकल जाएगा, क्योंकि अभी जो है गणेश जो अनंत चतुर्दशी का दिन आने को है, उसके बाद विश्वकर्मा पूजन का समय और उसके बाद जो सब इस साल का सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध का समय चालू हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम अंक एक के बारे में चर्चा करें जिसके डेटाबर्थ 1/10/1928 है। हो सकता है अभी किसी वो नए क्षेत्र पे कार्य कर रहा हो, एक चीज़ ये हो सकती है, या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वो लगातार अनवरत धीरे धीरे मेहनत कर रहा हो, क्योंकि उसके जो कालचक्र है समय बता रहा है कि वो धीमी 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 गति से मेहनत करते हुए अपना जो है भाग्य निर्माण कर रहा है। उसने अपना भाग्य पहले भी बनाया है और अभी भी वह अपना लगातार कुछ मेहनत करते जा रहा है, तो समय ये बता रहा है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/1920 है, उनके लिए समय अनुकूल नहीं, सेहत की दृष्टि से भी समय अनुकूल नहीं। कुछ ऐसा लग रहा है उनके बारे में, कुछ लोग ऐसा विचार कर रहे हैं जो उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते। यदि आप इसी ऐसे मौके पे बैठा हुआ अंक 2 जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/1931 है, उसके लिए थोड़ा समय जो है संघर्ष ज़्यादा है और थोड़ा लापरवाही से युक्त समय बता रहा है। अर्थात यदि आप किसी चीज़ में लापरवाही कर रहे हैं या लापरवाही ना करें, बस यही आपको सलाह दूंगा। और कोई भी चीज़ है तो डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को तेज रख के कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4/13/1932 है, उनके लिए जो आज का दिन है थोड़ा सा उतार चढ़ाव से है, कहीं कुछ हृदय विदारक समाचार मिल सकते हैं, दिल टूट सकता है या फिर मन में कोई पीड़ा चुभन कोई पुरानी चीज़ें आपको टीस कर सकती हैं। कुल मिलाकर समय अनुकूल नहीं आज का आपके लिए, तो उतार चढ़ाव। और साथ ही साथ यदि दूसरा पक्ष देखें तो आज के दिन हो सकता है आप सिनेमा जाएँ, एंटरटेनमेंट जाएँ, कुछ अच्छा काम आज के दिन आप कर सकते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/1923 है, वो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ले, अपनी माँ का आशीर्वाद ले, अपने काम पे निकले तो हो सकता है कि उसके कार्य बने। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/1924 है, उनके लिए जो आज का दिन है थोड़ा सा उतार चढ़ाव से युक्त है। यदि आज के दिन वो डोनेट करता है, यदि वो चाहता है कि उसके पास अधिक धन आए तो थोड़ा सा डोनेट करे, गरीबों को बुजुर्गों को कुछ दान दे, अपंगों को कुछ दान दे, तो हो सकता है कि उसके रास्ते बने और उसका मार्ग जो है प्रशस्त हो। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/1925 है, वह जो है विचाररत है धन कमाने के विषय पे कि धन किस प्रकार आएगा और धन के विषय में गंभीर चिंतन करता हूँ। अंक 7 आज के दिन, और थोड़ा उथल पुथल से युक्त क्योंकि कार्यक्षेत्र में थोड़ी तनाव की स्थितियाँ आज के दिन बन सकती हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/1926 है, स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएँ उसे परेशान कर सकती हैं और थोड़ा सा वो उतार चढ़ाव से युक्त आज का दिन। अंक 8 के लिए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/1927 है, वक्त है कम और काम है अनेक, अर्थात कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ और बोझ लेके चल रहा अंक 9, और समय भी कुछ उपहार प्राप्ति का अंक 9 के लिए, लेकिन साथ ही साथ उसे हो सकता है कि संघर्ष भी अधिक करना पड़े, कुछ इस प्रकार की स्थिति अंक 9 के लिए। कार्य अधिक और समय कम, इसलिए थोड़ा सा विषम परिस्थितियों से युक्त और थोड़ा सा मेहनत करता हूँ अंक 9। तो दोस्तों ये हुई चर्चा अंक 1 से लेकर 9 तक की और आज के दिन की 15 सितंबर की। आपको आपके भविष्य से जुड़ी अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7415114000 पर। डोंट वरी, काल पंकज महेश्वरी। प्यारे दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बस ये कहूँगा कि और जो इस विषय है इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, लोगों के बीच में पहुँचाएँ इस ज्योतिष की विधा को, और ताकि आप अपना भी कल्याण कर सकें और लोगों का भी कल्याण हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।